नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा। आज मैं फिर लेकर आई हूं एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण और साथ में वहां के प्रत्याशियों की राजनीतिक होंगे। आज बात करेंगे उस विधानसभा सीट की जहां से बीजेपी को जीत मिलती आ रही है। आज बात करेंगे राजसमंद विधानसभा सीट के बारे में। राजसमंद सीट 2008 से पहले तक आरक्षित सीट हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे सामान्य सीट घोषित कर दिया गया। राजसमंद विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। यहां से कांग्रेस ने एक बार फिर नारायण सिंह भाटी को मौका दिया है और बीजेपी ने किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति किरण माहेश्वरी को मैदान में उतारा है। यहां के 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला हुआ था, जिसमें बीजेपी की किरण माहेश्वरी को 89,709 वोट मिले तो कांग्रेस के नारायण सिंह भाटी के खाते में 65,086 वोट आए। किरण माहेश्वरी ने 24,623 मतों के भारी अंतर से यह जीत हासिल की थी। हालांकि किरण माहेश्वरी के निधन की वजह से 2021 में राजसमंद सीट पर उपचुनाव कराया गया, जिसमें बीजेपी ने किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को मैदान में उतारा। दीप्ति ने चुनाव में 74,704 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के तनुष्क बोहरा को 69,394 वोट मिले। दीप्ति ने 5,310 मतों के भारी अंतर से यह जीत हासिल की थी। राजसमंद सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 1990 से ही इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिलती रही है। कांग्रेस को आखिरी बार 1985 में यहां जीत मिली थी। 1990 से लगातार चुनाव जीत हासिल करने वाली बीजेपी के लिए किरण माहेश्वरी ने चुनौती जीत की हैट्रिक लगाई थी। किरण माहेश्वरी ने 2008 में चुनाव जीतने के बाद 2013 में भी जीत हासिल की। हालांकि किरण के निधन के बाद 2021 में इस सीट पर उपचुनाव कराया गया, जिसमें बीजेपी को ही जीत मिली। राजसमंद विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो यहां पर 2,31,000 के आसपास मतदाता है। जातिगत आंकड़े के अनुसार यहां सबसे अधिक सर्वण बिरादरी के वोटर्स है, जबकि ओबीसी मुस्लिम और एसटी एससी के वोटर्स आते हैं। राजपूत वोटर्स करीब 30,000 तो ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 20,000 के आसपास है। इनके अलावा जैन और माहेश्वरी वोटर्स भी यहां प्रभाव रखते हैं। साथ ही कई अन्य विरादियों के वोटर्स भी यहां चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। बात करें कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी की, तो वे 2018 में चुनाव लड़े थे, लेकिन किरण माहेश्वरी से वो हार गए थे। किरण माहेश्वरी के निधन के बाद 2021 में उपचुनाव में भी मौका मिला, लेकिन इस बार किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी से नजदीकी मुकाबले में वो हार। अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति किरण माहेश्वरी की, तो ये बीजेपी की कद्दावर महिला नेता रही किरण माहेश्वरी की बेटी हैं। 2020 में किरण माहेश्वरी के निधन के बाद 2021 के उपचुनाव में राजसंबंध से दीप्ति माहेश्वरी ने जीत दर्ज की थी। इस बार राजसंबंध विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता तय करेगी। आज बात की राजसमंद विधानसभा सीट की, अगली बार फिर मिलूंगी और एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण से आपको रूबरू करवाऊंगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।